आप सभी को स्वामी डॉक्टर ब्रिजमोहन चैनल में सबका स्वागत है। और आज प्रातः बेला में मैं आपको नौजवानों में होने वाले बहुत ही एक तरह का महामारी के रूप में समस्या उत्पन्न हो रही है, स्वप्न दोष की समस्या, जिसे नाइट फॉल्स भी कहते हैं, और ये युवाओं को बहुत ही प्रभावित करता है। और आजकल इस नए दौर में स्वप्न दोष से प्रभावित नौजवान बच्चे बहुत हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि स्वामी जी, हमें इन समस्याओं से मुक्ति के लिए आप हमें कुछ सलाह दें और हमें मार्गदर्शन करें। तो मैं आपको कैसे स्वप्न दोष से बच सकते हैं। स्वप्न दोष एक मानसिक रूप से ज्यादा हमें ग्रसित बीमारी है, और मानसिक रूप से यदि हम स्वस्थ हों, प्रसन्न हों और शुद्ध हों, पवित्र हों, तो हम इन बीमारी से ज्यादा हम बच सकते हैं। तो जो नौजवान यदि स्वप्न दोष से पीड़ित हैं, उनको चाहिए कि मानसिक रूप से अपने आप को पवित्र रखें और भोग आदि जो हमारे चित्र हैं, चलचित्र हैं, वीडियोज हैं, फोटोज हैं, उनसे आप अपने आप को दूर रखें। आप प्रातः वेला में कम से कम ब्रह्म वेला में जगने का प्रयास करें। यदि आप 3 से 4 बजे के बीच में जग जाते हैं तो आप लगभग 90% जो समस्याएं हैं उससे आप बच सकते हैं। यदि आप 4 बजे भी जग जाते हैं, सुबह उठ करके 2-3 गिलास गुनगुना पानी पी करके आप शौच बढ़िया से कर लेते हैं, पेट आपका साफ हो जाता है, तो आप इससे स्वाभाविक रूप से मुक्ति पा सकते हैं। दूसरी बात, आपका खान पान आपका ऐसा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, जिससे आपका आचरण, व्यवहार, सोचने की शक्ति, मन स्थिति आपकी ठीक रहे, बैलेंस्ड रहे। आप मांसाहार से बचने का प्रयास करें। मीट, मछली, अंडा, दारू, शराब, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, लहसुन, प्याज, यानी जो गर्म उत्तेजित करने वाले जो भोजन है उससे हमें बचना चाहिए। साथ ही साथ हमें दोस्ती वैसे लोगों से करनी चाहिए जो सकारात्मक सोच वाले लोग हैं, वे सामाजिक रूप में अपने आप को अच्छे मार्ग की ओर ले जाने वाले लोग हैं। हम अपने पूर्वजों के जो बताए गए मार्ग हैं, राम और कृष्ण का, बुद्ध, महावीर का, लक्ष्मी दुर्गा, सरस्वती का, गीता का, वेदों का, इन सारे शक्तियों के साथ अपने आप को जोड़ के रखना चाहिए। साथ ही साथ जिन लोग, जो युवा यदि स्वप्न दोष की समस्याओं से परेशान हैं, उनको सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने पेट को साफ रखें, गैस कब्ज ना होने दें, तनाव से बचे रहें, तर्क वितर्क से बचें, और रात्रि को जब वो सहन करने जाएं तो जो बिस्तर होता है वहां पर एक साफ बेडशीट बिछावें और उस बेडशीट को प्रतिदिन बढ़िया से साफ करके, सुखा करके उसे बिछाने का काम करें, और पैर हाथ धो करके वहां सहन करने जाएं। और जब सहन करें तो योग निद्रा का अभ्यास करें, उसमें आंख बंद कर देते हैं, शरीर को ढीला छोड़ देते हैं, और गायत्री मंत्रों के साथ, ओम के उच्चारण के साथ, अजपा जप कहते हैं उसको, बिना बोले हुए मानसिक रूप से हम आंख बंद करके यदि गायत्री मंत्रों का 21 बार 51 बार जप करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे अंदर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करो, मैं सात्विक हो जाऊं और मैं इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकूं, और मैं जो स्वप्न दोष की समस्याओं से परेशान हूं वो हमें दूर कर दीजिए, मैं स्वस्थ हो जाऊं और स्वस्थ जीवन धारण करके मैं समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, पूरे प्राणियों के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करता रहूं। साथ ही साथ इसमें हमें अश्वगंधा चूर्ण, चंद्र प्रभावटी का इस्तेमाल करते हैं तो यह हमारे लिए, इसमें आंवले का भी यदि हम स्वरस का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही लाभकारी होता है, और कम से कम संयमित होने का, और इसमें प्राणायाम के रूप में कपालभाति, स्वप्न दोष की समस्याओं से परेशान युवाओं को कपालभाति का प्रयोग कम से कम 15 मिनट से आधा आधा घंटा करना चाहिए। अनुलोम विलोम का अभ्यास, अनुलोम विलोम का अभ्यास भी 15 मिनट तो कम से कम करना चाहिए। 15 मिनट से आधा घंटा यदि अनुलोम विलोम कर ले। भ्रामरी प्राणायाम, दोनों अंगूठा कान के लीड पर ढक्कन पर रखें, तर्जनी को ललाट के बीच में रखें, तीनों उंगलियों को मोड़ करके आंखों पर रखें, मेरुदंड सीधा, गर्दन भी सीधी, आंखें बंद करके मुंह बंद कर लेते हैं, सांस भर के
यह है भ्रामरी प्राणायाम। इसका 11 बार कम से कम प्रयोग करें, अभ्यास करें, और ओम का उच्चारण इस प्रकार 11 बार ओम का उच्चारण करते हैं तो आपका शुक्र दोष की समस्याओं से आप नियमित रूप से आप बचे रह सकते हैं। तो आइए, मैं आपको इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत शुभकामना व्यक्त करता हूं, और आने वाले समय में आपको नए नए रोगानुसार जो कैसे हम योग प्राणायाम से अपने शरीर को स्वस्थ करेंगे उस वीडियो के साथ आपको जोड़ते रहेंगे। सबको धन्यवाद।